पहले चरण के चुनाव प्रचार समाप्त होने से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने वादा किया कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर एनआरसी सीएए को रद्द कर देंगे, यूसीसी को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में घर पर राशन उपलब्ध कराने, बीपीएल परिवारों को 10 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने, किसानों को एमएसपी, हर भारतीय को गारंटी रोजगार सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा भी किया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर पूरे देश को डिटेंशन कैंप बनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आता है तो संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी को खत्म कर दिया जाएगा। असम में तृणमूल कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों के समर्थन में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3री बार सत्ता में लौटते हैं तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा और चुनाव नहीं होंगे। बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूरे देश को डिटेंशन कैंप बना दिया है, मैंने अपने जीवन में इतना खतरनाक चुनाव कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी सभी धर्मों पर से प्यार करती है और नहीं चाहती कि धार्मिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव हो। बनर्जी ने रैली में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो एनआरसी सीए और यूसीसी लागू नहीं होगी, हम सभी भेदभावपूर्ण कानून को रद्द कर देंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि लोकसभा चुनाव में असम में टीएमसी के सभी 4 उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की और घोषणा की कि उनकी पार्टी 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव में सभी 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बनर्जी ने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है, फाइनल अभी बाकी है, मैं फिर आऊंगी।